बड़ी खबर आ रही है, लुधियाना के सीएमसी अस्पताल के पास एक घर पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया है। हमला एक नहीं, दो नहीं, पूरे 40 से 50 हमलावरों ने हथियारों के साथ एक घर पर हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये इलाका जो है वो सीएमसी अस्पताल के पास का है, जहां पर पूरी वारदात जो है सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरीके से 40 से 50 हथियारबंद लोग हथियारों के साथ एक घर पर हमला कर देते हैं। हालांकि पूरे मामले में अभी पुलिस जांच करने में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं अपनी सीसीटीवी फुटेज, जिसमें कि एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, 40 से 50 हथियारबंद नौजवानों ने जो है हथियारों के साथ, कृपाने गंडासे के साथ एक घर पर हमला बोल दिया। हालांकि पुलिस अभी पूरी वारदात को जो है करीब से जांच रही है, सीसीटीवी फुटेज कंगाल रही है और जांचने की कोशिश कर रही है कि आखिर हमला किसने किया है, आखिर ये हमला कहां पर हुआ है, ये तो जांच के बाद ही अभी पता चलेगा। हालांकि अभी तक बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ अभी खाली हैं, मगर सीसीटीवी फुटेज देखने से ये मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस की सुरक्षा के चाक चौबंद के जो दावे किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं, खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि जो इलाका है लुधियाना का सीएमसी अस्पताल के आसपास वाला इलाका काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है और रिहायशी इलाका है, और यहाँ जो पुलिस की गश्ती टीम है वो गश्त कर रही होगी। मगर जहां पर ये हमला हुआ, सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं किस तरीके से 40-50 हमलावर हथियारों के साथ अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं हमला कर वापस। मगर जो कहीं ना कहीं पुलिस की सुरक्षा है वो वहां से नदारद रही, कोई पुलिस की टीम या कोई पीसीआर मुलाजिम तक वहां पर नजर नहीं आया। इतना बड़ा अस्पताल और आसपास पुलिस का ना होना और पुलिस की गैर मौजूदगी में इस तरीके से इतना बड़ा हमला हो जाना एक पुलिस की नालायकी को दर्शा रहा है। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी है और कुछ भी कहने से अभी बच रही है, मगर जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मामला क्या था और हमला किसने किया। लुधियाना से संजय सैनी की खास रिपोर्ट।